Hi friends, good evening. अभी शाम के बजे 5:30। आज मैं आपको एकदम फुल इवनिंग टू डिनर रूटीन दिखाने वाली हूँ, शेयर करने जा रही हूँ आज। तो अभी हम लोग पहले ले लेंगे चाय। आज मेरा चाय के लिए मन नहीं हो रहा है, तो दूध ले लूँगी मैं और मेरा छोटा बेटा, दूध और थोड़ा से बिस्किट ले लेंगे। फिर उसके बाद बाकी के काम करूँगी। थोड़ा सा मुझे मार्केट भी जाना है, सब्जी भी लेके आना है मुझे, तो थोड़ा सा सब्जी ले आऊँगी। फिर उसके बाद सब्जी लेके आने के बाद फिर सारे काम करूँगी। बाय, मिलती हूँ अभी चाय बिस्किट खाने के बाद, फिर मार्केट से आने के बाद। ओके, आ गई मैं सब्जी लेके। सब्जी में मैं लाई हूँ शिमला मिर्च, प्याज और तोरी, भिंडी, धनिया, मिर्च। अभी मैं और लौका भी लेके आई हूँ। लौकी अभी मैं बनाऊँगी, तो लौकी को मैंने उधर रख दिया किचन में। बाकी की सब्जियाँ कुछ फ्रिज में लगा दूँगी, प्याज को निकाल के टोकरी में रख लूँगी। अब ये सब सब्जी के बाद बहुत गर्मी लग रही है, तो थोड़ा सा नहा लूँगी एक बार, फिर मैं करूँगी। अभी शाम के हो रहे हैं 7:15, तो पहले मैं करूँगी भगवान जी के थोड़ा सा दिया जलाऊँगी। दिए ये रहे, मैंने दिया को अभी तैयार करके रख लिया था यहाँ पे, ऐसे सारे दिया धो के ऐसे रेडी करके रख लिया है। अभी जोत जला लूँगी। तुलसी को भी थोड़ा सा पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। पहले मैं घिया को छील लूँगी, घिया, आलू और प्याज लहसुन को छील लूँगी। ये मेरे छील लिया और धो के रख लिया, इधर कुकर चढ़ा दिया और प्याज को काट रही हूँ, लहसुन और प्याज को। कुकर में डाल दिया है सरसों का तेल और गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया है जीरा और हींग थोड़ा सा। अब इसके बाद मैं लहसुन और प्याज एक साथ डाल दूंगी। थोड़ा सा हिला दूंगी। ये लहसुन और प्याज अब ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें ऐड करूंगी आलू काट के। आलू को मैंने छीलने के बाद
सभी सब्जियां को छीलने के बाद मैंने धो लिया था। अभी अभी प्याज हो गया ब्राउन, अब मैं डाल रही हूँ इसमें आलू। अभी घिया को भी मैं काट रही हूँ। घिया काफ़ी सख्त मतलब मुलायम है, मतलब सख्त नहीं है, छोटे छोटे हैं ना, तो अच्छे हैं, इसमें बीज नहीं है बिल्कुल भी, बीज वाला बेकार लगता है घिया। और आलू को भी मैं थोड़ा सा बीच बीच में हिला के थोड़ा देर भून लिया, और उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ घिया। मैं सब्जियों को ऐसे ही साथ साथ में ही काट लेती हूँ, पहले काट के नहीं रखती, कढ़ाई या कुकर कुछ भी चढ़ाने के बाद ही मैं शुरू करती हूँ काट, ऐसे चॉप करती हूँ, तो वो भी जाता है साथ साथ। अब मैं घिया को भी डाल दिया, और इसमें डाला है मैंने हल्दी पाउडर, और ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा मिला लूँगी। अब इसमें ऐड कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर। थोड़ा इसे भी मिला लूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है इसमें। थोड़ा इसको मिलाने के बाद मैं अब कुकर के ढक्कन लगा लूँगी। कुकर के ढक्कन, इसके सीटी थोड़ा अलग रखा हुआ है, मैंने धोते टाइम निकाल लिया था, अभी इसको भी लगा दूँगी। फिर दो सीटी लाने के बाद मैं बंद कर दूँगी घिया को। दो सीटी लगाने के बाद घिया रेडी हो जाता है। फिर इधर मैं लगा रही हूँ आटा रोटी के लिए। ये मेरा आटा भी तैयार हो गया, कितना सॉफ्ट बना हुआ है आटा, बहुत अच्छा, काफ़ी चिकना बन गया। अभी मैं इस बॉल में आटा को रख लूँगी, फिर इसको प्लेट को धो लूँगी। फिर तो अभी थोड़ा जल्दी है, तो थोड़ी देर ऐसे थोड़ा सा टीवी भी देख लूँगी, उसके बाद में रोटी बनाऊँगी। अभी थोड़ा टाइम है, अभी मैंने लगभग एक घंटे के बाद मैंने शुरू किया आटा गूंदने के, एक घंटे के बाद मैंने शुरू किया रोटी बनाने। अभी रोटियां को सेक लूँगी। काफ़ी अच्छे से फूल रहे हैं रोटी, सारे रोटियां को मैंने सेक लिया। अभी इसमें लगाऊंगी अमूल का मक्खन। हमारे यहाँ पे सूखा रोटी कोई नहीं खाता, इसीलिए मक्खन लगा लिया सारे रोटियों में। अब मैं लगा रही हूँ खाना, दही भी मैंने जमा लिया था सुबह, तो काफ़ी अच्छा से जम गया दही भी। गर्मियों में खाना के साथ दही बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग ज़्यादातर खा लेते हैं ऐसे दही। ये देखिए सब्जी कितना अच्छा से रेडी हो गया है दो सीटी में।
ये हमारा खाना लग गया, ये मेरे छोटे बेटा का खाना है इसलिए मैं उसको मक्खन की डल्ली भी दे देती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे मक्खन की डल्ली। और इधर मैं रात को जो बादाम भिगवा के रखती हूँ वो बादाम भिगवा के रख रही हूँ सुबह के लिए, सुबह तक अच्छा से फूल जाता है बादाम, ढक के रख दूँगी। हो गया हमारा खाना, बाकी किचन के जो भी सफाई के काम होते हैं, बर्तन वर्तन धोना, मेरा सारा काम हो गया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो ज़रा सा भी तो लाइक कर देना ज़रूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रखें अपना ढेर सारा ख्याल। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, खूब सारे पानी पिएं, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ अगली वीडियो में।